प्रदूषण। सत श्री अकाल पीडीसी न्यूज़ देखने वाले सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ तुहाडे नाल कावी बब्बर ते बुलेटिन की शुरुआत करांगे अहम खबर दे नाल। जिहड़ी इस समय जिहड़ी इस वक्त आ रही है कि विआह ते होर समागमां दे विच तुहाडा मनपसंद गाणा मर्जी दे नाल नहीं चल सकेगा। जी हाँ, विआह ते होर समागमां दे विच तुसीं पहुंच तां जरूर जाओगे, पर जिस समागम दे विच पहुंचोगे तां डीजे वाले नूं बोल के अपने पसंद का गाणा नहीं लगवा सकते। कारण की है वह भी तुहानूं दसदे हां। वड्डा फैसला लै लिता गया है। गाने दे मालक तों बिना कॉपीराइट लए गाणा चलाउण ते हाईकोर्ट ने रोक लगा दिती है। यानी कि गाणा चलाउण तों पहला तुहानूं गाने दे मालिक तो कॉपीराइट लेना जरूरी होगा। कोई भी गाना तुसी किसी भी वैबसाइट तो उठा के नहीं लगा पाओगे। ये हुक्म जारी कर दिए गए ने। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने बिना कॉपीराइट ले गाना चलाने वाला नोटिस रद्द किया है। नोटिस कानून तहत मिली कॉपीराइट की सुरक्षा के बुनियादी अधिकार की उल्लंघना है। ये कहते नजर आए ने 2019 कॉपीराइट रजिस्ट्रार वालों जारी किया गया से बिना लाइसेंस दे गाने चलाने की इजाजत बारे नोटिस। नोवैक्स कम्युनिकेशन ने नोटिस को हाईकोर्ट के चुनौती दी थी। अहम जानकारी इस वक्त तुहाडे तक पहुंचा रहे हैं। रुक कर लेने इस खबर से, नेहा भी बने हुए ने। नेहा, की होर जानकारी है, इसते मामला कितों शुरू होया, विस्तार दे नाल थोड़ी जानकारी साझी करो। जी बिल्कुल, ए जिहड़ा मामला हैगा, क्योंकि जदों भी न्यू ईयर वगैरह आंदा हैगा सी उदों ए केसेस जिहड़े ने जिला अदालतां दे विच लगदे हैगे सन, लेकिन हुण क्योंकि हर साल जाना पैंदा सी जो कॉपीराइट जिहड़ियां कंपनीज हैगियां ने, लेकिन हुण जिहड़ा हैगा पंजाब ते हरियाणा हाईकोर्ट दे विच मसला पहुंच चुका हैगा और हाईकोर्ट ने हुण इसनूं क्वैश ही कर दिता हैगा। यह जो नोटिस जारी होया सी कि विआह शादियों के बिना लाइसेंस कॉपीराइट लाइसेंस ने जोड़े है वो म्यूजिक नहीं बजा सकेंगे। और हालांकि है जो तुम अपने घर कोई फंक्शन कर रहे हो या प्राइवेट फंक्शन कर रहे हो तो यह चीज लागू नहीं होगी, लेकिन अगर तुम बैंकेट हॉल चो या किसी प्रोफेसनल थाते कोई फंक्शन कर रहे हो तो कॉपीराइट लाइसेंस फीस जोड़ा है देना लाजमी होगा। और इसी कारण फिलहाल एक बड़ा फैसला जरा पंजाब के हरियाणा हाईकोर्ट ने सुनाया है, क्योंकि मसले बार बार उठते हैं सर जिला अदालतों के, लेकिन हूँ हाईकोर्ट के फैसला जरा है मसला पहुंच चुका है और हूँ हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया। जी जी, फिलहाल ही थोड़ा बहुत बहुत शुक्रिया नेहा इस तमाम जानकारी के लिए। सो वड्डा फैसला लै लिता गया हाईकोर्ट के वलों। हाईकोर्ट का कहना है सीधे तौर उत्ते कि अगर तुसी वड्डे पद्धर उत्ते कोई समागम कर दियो, विआह समागम होवे या कोई भी दूसरा कोई समागम होवे, तां उस दे विच जिहड़ा भी गाना डीजे वलों लगाया जाएगा तो उसका पहला कॉपीराइट लेना लाजमी कर दिता गया। जी हाँ, पहला ही मसला जड़े ने अजिहे कई मसले जिला अदालतों में रोलते नजर आते सन, पर हाईकोर्ट के हाईकोर्ट के वलों सख्ती नोटिस लेंदिया होया इस पर वड्डा एक्शन लै लिता गया। इस मतलब सीधे तौर उत्ते है कि विआह ते होर समागमां विच तुहाडा मनपसंद गाना अगर तुसी लगवाना चाहुंदे हो तां तुहानूं पहलां कॉपीराइट दी फीस जिहड़ी है अदा करनी पएगी। उधर सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों इतिहासिक फैसला लिता गया है। वड्डा इतिहासिक फैसला है, देह व्यापार दे नाल संबंधित है। देह व्यापार नूं सुप्रीम कोर्ट ने पेशा करार दिता है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है कि देह व्यापार भी एक पेशा है। पुलिस नूं अपराधी कार्रवाई ना करन दे इस दौरान आदेश भी जारी कर दिते ने। ते भी गल आख दिती गई है सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों कि मर्जी दे नाल अगर कोई देह व्यापार करदा है इस विच शामिल है तो वर्करस उत्ते कोई अपराधी कार्रवाई नहीं होवेगी। इन्हां वर्करस नूं भी बाकी होर वर्करस वांग इज्जत बख्शनी बहुत जरूरी है, उन्हां दा अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों इतिहासिक ते वड्डा फैसला लै लिता गया है। एक बार फिर तो तुहानूं दस दईए कि वड्डा फैसला किहड़ा है। सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों मन्निया गया है कि देह व्यापार एक पेशा है, देह व्यापार एक पेशा है। यह सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि पुलिस तो अपराधी कार्रवाई ना करन दे आदेश भी इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने जारी कर दिते ने। ते भी टिप्पणी की है कि मर्जी नाल देह व्यापार विच शामिल वर्करस उत्ते कोई अपराधी कार्रवाई ना होवे। देह व्यापार करन वालियां नूं भी इज्जत नाल जिंदगी जीण दा पूरा अधिकार है। रुका लैने साडे सहयोगी जसमीत बने होए ने। जसमीत, वड्डा ते इतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट दा, एक इज्जत अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने इन्हां वर्करस नूं बख्शिया है, बहुत ही ज्यादा शलाघा योग भी है। ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਹ ਵਪਾਰ ਜੋ
ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਜੋ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਸਹਿਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੁਛ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਜੋ ਟਿੱਪਣੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਜੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਹ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਪਤ ਜੋ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜੀਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਜਾਂ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਗਾਬੀ जी फिलहाल ही थोड़ा बहुत बहुत शुक्रिया जिसमें इस तमाम जानकारी के लिए वड्डा इतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट के वल्लों दे दिता गया है तो यह भी कह दिता गया है कि बाकी होर वर्करस के वांगू या फिर पेशिया के वांगू इन्हां वर्करस नूं भी उन्नी ही इज्जत बख्शनी उन्हां दा अधिकार है सुप्रीम कोर्ट के वल्लों वड्डी टिप्पणी की गई है अहम ते वड्डा फैसला सुप्रीम कोर्ट का उधर सीएम भगवंत मान का दिल्ली दौरा रद्द हो चुके हैं अज केंद्रीय जल स्रोत मंत्री गजेंद्र शेखावत के नाल मुलाकात होनी सी पर दौरा रद्द हो चुकी है अहम जानकारी इस वक्त की पहुंच रही है भगवंत मान ने शेखावत अगे पानिया का मुद्दा चुकना सी अज जिहड़ी मीटिंग तय की गई सी गजेंद्र शेखावत दे नाल ओ कैंसल हो चुकी है वो टाल दी गई है हालांकि अगली तरीक कि होगी जदों पानिया के मसले उत्ते पानिया का गंभीर मसला पंजाब का उन्हां उत्ते कदों गलबात होगी हालांकि अगली तरीक जरूर नहीं आई है पर यह जानकारी मिल रही है कि सीएम भगवंत मान का दिल्ली दौरा रद्द हो चुकी है रुक कर लें ऐसे ऐसे खबर से बने हुए हैं जसमीत एक बार फिर तो जसमीत कारण की दसे जा रहे हैं पूरा रद्द होने पूरा का पूरा शेड्यूल बिल्कुल काफी पंजाब के सीएम भगवंत मान जो ने उन्हों का अज का पूरा शेड्यूल जोड़ा वो दिल्ली का जोड़ा व्यस्त सी करीब 3 बजे उन्होंने दिल्ली पहुंचना सी और 4:30 तो 5:30 बजे तक केंद्रीय जल स्रोत मंत्री जो ने गजेंद्र शेखावत उन्होंने नाल 1 घंटे की मीटिंग जी उन्होंने तय मनी जा रही थी और अज शाम उन्हों की पंजाब वापसी थी पर पूरा दौरा जोड़ा वो रद्द कर दिया गया फिलहाल कारण की रहे ने यह जो है पंजाब सरकार वालों किसी तरीके की जानकारी या पब्लिक रिलेशन अफसर वालों कोई जानकारी जी साझी नहीं की गई पर मनिया जा रहा है अज की जी मुलाकात थी बेहद अहम मुलाकात थी पानी के मामलों को लैके और SYL के मामलों को लैके क्योंकि लगातार पंजाब के जो पानी की समस्या वो लगातार बढ़ती जा रही है इसे लैके जोड़ा है केंद्रीय जल स्रोत मंत्री गजेंद्र शेखावत के नाल मीटिंग रखी गई थी पर भगवंत मान का दौरा एन मौके पर आके जोड़ा है करीब 3:30 बजे जानकारी आती है कि दौरा जोड़ा है रद्द कर दिया गया जिस तो बाद मीटिंग जो 4:30 to 5:30 1 घंटे की मीटिंग थी वो भी रद्द कर दी गई है हालांकि अगली तरीक की रहेगी इस मीटिंग की वो हजे तक स्पष्ट नहीं हो पाया और ना ही इस दौरे के रद्द होने का कारण जोड़ा है स्पष्ट किया गया है। सवाल है मेरा जसमीत थोड़े तो कि आखिर जो मुख्यमंत्री भगवंत मान दिल्ली पहुंच चुके थे उदों ही दौरा रद्द होया उदों ही मीटिंग रद्द हुई या फिर उस तो पहला ही इसकी इतलाह दे दी गई थी बिल्कुल काफी इसकी स्थिति हजे तक जी स्पष्ट नहीं हो पाई क्योंकि सब तो पहला जरा कपूरथला हाउस जरा पहुंचना सीएम भगवंत मान ने दिल्ली लैंड होने तो बाद और कपूरथला हाउस जरा है जेडे ने भगवंत मान नहीं पहुंचे और उस दौरान ही जरा जानकारी सामने आई कि उन्हों का जरा दौरा जरा रद्द हो गया तो मनिया ही जा रहा फिलहाल जरा फिलहाल ही थोड़ा बहुत बहुत शुक्रिया जसमीत इस तमाम जानकारी के लिए सो फिलहाल जड़ा है जानकारी मिल पा रही है कि सीएम भगवंत मान की मीटिंग कैबिनेट मिनिस्टर के नाल रद्द हो चुकी है केंद्रीय जल मंत्री गजेंद्र शेखावत के नाल मुलाकात की जानी सी हालांकि दिल्ली पहुंचने तो बाद ही